जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को घटाना करना सिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हासिल वाला घटाना है। इसमें अगर आप थोड़ी भी अगर समझदारी से इसको नहीं करेंगे तो आप गलती कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इनको जरूर देखिएगा। इनको सीखने के लिए वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। चलो हम लोग देखते हैं पहला एग्जाम्पल। आपका टाइम मैं बिल्कुल बेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। चलो सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, दो से मतलब विभक्त दिया है, दो दिया है, तीन दिया है, पाँच दिया है, छः दिया, आठ दिया, नीचे पाँच है, दो है, चार है, एक है, जीरो है, और हमें इसमें घटाना है इसको। तो कैसे करते हैं घटाना, तो आप लोगों को आता होगा। अगर आपको नहीं आता थोड़ा बहुत तो हम सिखाते हैं आपको बहुत ही आसान तरीके से। तो हमारे पास ऊपर कितना है, दो दिया है, नीचे कितना है, जीरो। तो इस संख्या में से इस संख्या को हमें घटाना होता है, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटाना होता है। तो क्या है, ऊपर हमारे पास दो है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो लाइन खींचेंगे, खींचते हैं चलो, एक दो। अब हमारे पास नीचे कितना है, जीरो। तो हमारे पास जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, तो दो में से जीरो घटाएंगे। मान लेते हैं आपके पास दो टॉफी हैं, उसमें कोई जीरो आपसे टॉफी ले लेता तो कितनी बचेंगी, तो आपके पास दो ही बचेंगी ना। तो हम दो को, दो जितनी बचेंगे उतनी हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब दूसरे स्टेप पर जाना है। ऊपर कितना है, तीन, नीचे दिया है एक। तो सबसे पहले हम तीन लाइन खींचेंगे, खींचते हैं चलो, एक लाइन हो जाएगी, एक दो तीन। अब नीचे कितना दिया है, नीचे दिया है आपका कितना दिया है, एक। तो हम सबसे पहले एक लाइन गिनेंगे, एक लाइन हमने गिनी इधर से, और एक लाइन को हम काट देते हैं, हमने काट दिया। अब आपके पास टोटल कितनी लाइन बची, एक दो लाइन बची ना, तो हम दो को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, घटाना कर सकते हैं। अब हमें क्या करना, अब ऊपर कितना है, पाँच, नीचे दिया है चार। तो सबसे पहले हम लोग पाँच लाइन गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच, गिन ली ना हमने। अब हमारे पास नीचे कितना दिया है, चार दिया, तो सबसे पहले चार लाइन गिनेंगे इधर से, एक दो तीन चार। अब इनको देंगे काट, हमने काट दिया। अब हमारे पास कितनी लाइन बची, एक बची ना, तो हम एक यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से आप घटाना कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये थोड़ा सिंपल घटाना, ये है हासिल वाला घटाना, इसको जरूर देखिएगा। अब हमें क्या करना, अब हमें चौथा स्टेप फॉलो करना, मतलब क्या है, ऊपर छः नीचे चार, दो है। तो सबसे पहले हम छः लाइन खींचेंगे, एक लाइन दो लाइन तीन चार पाँच छः। अब नीचे कितना है, नीचे हमारे पास दिया है दो, तो हम दो लाइन गिनेंगे इधर से, एक दो। तो हम इसको देंगे काट, हमारे पास कितनी लाइनें बची, एक दो तीन चार लाइनें बची, तो चार हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना, अब हमें लाइनें गिनना है कितनी, अब हमें गिनना है ऊपर कितना आठ है, नीचे कितना है पाँच। तो सबसे पहले आठ लाइन गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब हमारे पास नीचे कितना है, नीचे दिया है पाँच। तो सबसे पहले पाँच लाइन गिनेंगे इधर से, एक दो तीन चार पाँच। अब इनको गिन के देंगे काट, हमने काट दिया। अब कितनी लाइनें बची, एक दो तीन बची ना, तो तीन को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग घटाना कर सकते हैं। ये तो था साधारण घटाना, अब हम लोग सीखेंगे कि ये हासिल वाला घटाना कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए आपको वही तरीका अपनाना है जैसा कि हमने इसमें अपनाया था, कि ऊपर वाली संख्या से हमें नीचे वाली संख्या को घटाना है, लेकिन ये थोड़ा अलग है, इसको देखिएगा जरूर। तो क्या है, हमारे पास ऊपर कितना आठ है, नीचे पाँच है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं। तो ऊपर कितनी है आठ, तो आठ लाइन खींचते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, हमने खींच ली लाइन। और हमारे पास यहाँ पर संख्याएं कितनी है, मतलब नीचे कितना है पाँच, तो पाँच गिनते हैं, लाइन को गिनते हैं, एक दो तीन चार पाँच। अब इसको देते हैं काट, जब हमने इसको काटा तो हमारे पास लाइनें कितनी बची, एक दो तीन, तीन बची ना, तो तीन को ही हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, घटाना कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, ऊपर छः है, नीचे तीन है। तो सबसे पहले छः लाइन गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः लाइनें गिनी हमने। और हमारे पास नीचे कितना है, तीन, तो एक दो तीन लाइन गिनने के बाद इसको देंगे काट, जब हमने काट दिया तो हमारे पास कितनी लाइनें बची, एक दो तीन, तीन बची ना, तीन को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। आपको इस तरीके से क्या करना है, घटाना करना है। अब ऊपर कितना है, जीरो, नीचे कितना है आठ, तो जीरो में से आठ तो जाएगा नहीं। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग करेंगे ये कि इधर से लेंगे हासिल, और हासिल होता है दस का, तो दस और जीरो कितना होगा, दस हो जाएगा ना। अगर हम दस प्लस जीरो करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, दस ही आएगा ना, तो दस हो जाएगा, ठीक है। दस में से अब आठ को घटाएंगे, तो हम क्या घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग खींचेंगे कितनी लाइनें, लाइनें खींचेंगे हम लोग दस, खींचते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस लाइनें हमने खींच ली। अब नीचे कितना है आठ, तो हम लोग आठ लाइन गिनते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब इसको देते हैं काट, जब हमने काट दिया तो कितनी लाइनें बची, एक दो, दो लाइन बची, तो दो को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से आप लोग
लोग घटाना कर सकते हैं। ये था हासिल वाला घटाना, इस तरीके से हम लोग हासिल लेते हैं। हासिल कितने का होता है? 10 का होता है, ठीक है। अब ऊपर कितना है? 4 दिया, नीचे कितना है? 2। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। अब नीचे कितना दिया है? 2 दिया है, तो 2 लाइन गिनते हैं, 1 2 गिनते हैं और उसको देते हैं काट। अब कितने बचे? 1 2 बचे ना, 2 हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, घटाना कर सकते हैं। अब ऊपर हमारे पास 7 है, नीचे हमारे पास 0 है, तो सबसे पहले हम 7 लाइन खींचे, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 लाइन हमने खींच ली, अब 0 का मतलब तो कुछ भी नहीं होता है ना, तो हम क्या करते हैं, इन्हीं लाइनों को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आया, 7 को ही हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप घटाना कर सकते हैं, आपके पास सिंपल घटाना हो या हासिल वाला घटाना हो। जय हिंद दोस्तों। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।